हाय फ्रेंड, आज तो हम बात करने वाले हैं ECS इंटरनेशनल T10 ग्रुप सी का। आज का जो मैच नंबर थर्ड होगा वो खेला जाने वाला है इस्टोनिया वर्सेस इटली के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज रात 7:30 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस सरफेस है, एवरेज स्कोर 130 से 150 के बीच में रहने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देख लेते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ना अब तक 29 मैच कम्प्लीट हो चुके हैं, 13 मैच जीते बैटिंग फंसने वाली टीम ने और 16 मैच में ना चेज हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ESTI की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मैं सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए काफ़ी जरूरी रहता है क्योंकि वहाँ पर ही आपका अपडेट हो फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आप किसी वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर लेते हैं ESTI की टीम की, इस्टोनिया की। तो देख सकते हो यहाँ से ना मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 ये रहने वाली हैं। तो वीडियो पूरा देखना तभी आप बेहतर टीम बना पाओगे। तो यहाँ से ओपनिंग करने आ सकते हैं अली मसूद और स्टीफन गुज। यहाँ से मसूद की बात करें तो T10 के 10 मैच खेले हैं, 205 रन हैं, 6 विकेट, 12 ओवर डाल के 2023 में ना 6 मैच खेले थे, 100 रन बनाए थे, 4 विकेट निकाले थे। T20I के 6 मैच में 160 रन हैं, 32 का एवरेज है, 3 विकेट हैं, यानी अच्छा पिक है आपके लिए। बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देगा, मौका जरूर आप दे सकते हो। यहाँ से आ जाता है स्टीफन गुज की बात कर लेते हैं। T10 के 34 मैच खेले हैं, 633 रन हैं, 10 विकेट हैं, 9 ओवर डाल के 2023 में 11 मैच खेले थे, 478 रन बनाए थे, 53 का इनका एवरेज रहा था। ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा क्योंकि ना इनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली और पार्ट टाइम में कभी बॉलिंग भी कर लेते हैं, अगर बॉलिंग कर देंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, तो मौका जरूर देना है। बिलाल मसूद की बात कर लेते हैं। T10 के 25 मैच खेले हैं, 370 रन हैं, 14 विकेट, 28 ओवर डाल के 2023 में 11 मैच खेले थे, 157 रन बनाए थे, 4 विकेट निकाले थे, 8 ओवर डाल के। यहाँ से आ जाते हैं साहिल चौहान की बात कर लेते हैं। T20I के 2 मैच में 18 रन हैं, ओवरऑल 40 मैच में ना 1174 रन हैं, 19 विकेट, 95 ओवर डाल के। यहाँ पर देख सकते हो बॉलिंग तो करता है बट 95 ओवर में ना सिर्फ 19 ही विकेट निकाल पाया था। आदित्य पवार की बात कर लेते हैं। T10 के 7 मैच में 21 रन हैं, 1 विकेट है, 9 ओवर डाल के। T20I के 2 मैच में 62 रन हैं, 3 विकेट है, 4 ओवर डाल के। यहाँ पर देख सकते हो T20I में तो अच्छा स्कोर था बट T10 में ये खास नहीं कर पाए, T10 में बिल्कुल फ्लॉप चले थे। आदित्य पॉल की बात कर लेते हैं। T10 के 6 मैच में 24 रन हैं, 3 विकेट हैं। T20I के 6 मैच में 15 रन हैं, 4 विकेट हैं। बैटिंग से खास अच्छा इन्होंने प्रदर्शन दिया नहीं, बॉलिंग पे आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। यहाँ से आया डेविड रॉब्सन की बात कर लेते हैं। T10 के 9 मैच में 90 रन हैं, 4 विकेट, 15 ओवर डाल के 2023 में ना 5 मैच खेले थे, 2 विकेट निकाले थे। T20I के 2 मैच में 3 विकेट हैं, 8 ओवर डाल के। कल्ले वसलपुल की बात कर लेते हैं। T10 के 8 मैच में 6 विकेट हैं, T20I के 11 मैच में 8 विकेट हैं, देख सकते हो। बट यहाँ पर ना 37 ओवर डाल के सिर्फ 8 ही विकेट ये निकाल पाए थे, तो यहाँ पर इनकी बॉलिंग ना थोड़ी कमज़ोर है। यहाँ से आ जाते हैं स्टोल हक की बात कर लेते हैं। T10 के 10 मैच में 251 रन है, 83 का एवरेज है, यानी एवरेज इनका काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको, देख सकते हो 83 का एवरेज है। 2023 में 6 मैच खेले थे, 27 रन है, 13 का एवरेज है। T20 के 13 मैच में 195 रन है, 19 का एवरेज रहा था। प्रणय गिवाला की बात कर लेते हैं। T10 के 4 मैच में 1 विकेट है, T20 के 2 मैच में 1 विकेट है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड इनका नहीं रहा। यहाँ से आ जाते हैं रामकृष्ण की बात कर लेते हैं। T10 के 10 मैच में 9 रन है, 2 विकेट, 12 ओवर डाल के। T20 के 1 मैच में 0 विकेट है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इनका नहीं रहा। बेंच में से यहाँ से 3 ही लोग हैं, तो हम देख लेते हैं स्टेट्स, तो क्योंकि यहाँ से ना कोई भी प्लेइंग 11 में आ सकता है बैटिंग ऑर्डर में कोई भी, तो यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। तो बेंच में से हम बात कर लेते हैं अरसलान की बात करते हैं। तो T10 के 9 मैच खेला है, 106 रन है, 2 विकेट है, 2023 में ना 6 मैच खेला था, 48 रन बनाए थे, 12 का एवरेज रहा था। T20 के 7 मैच खेला है, 213 रन है, 0 विकेट हैं। यहाँ से आ जाता है रिफाक खान की बात करें तो T10 के 7 मैच में 102 रन है, 20 का एवरेज है, 2023 में 4 मैच खेला था, 69 रन है, 23 का एवरेज है। जेन बॉन्स की बात कर लेते हैं, ओवरऑल 35 मैच खेला है, 1098 रन है, 23 विकेट है, 69 ओवर डाल के। तो यहाँ से ना स्टार्टिंग ओवर डालने आ जाएंगे के विस्पुल और यहाँ से पी गोले वाला जो डेथ में बॉलिंग करेगा, डी रॉब्सन और ए मसूद जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छे ये दे के जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी टीम ITA की बात कर लेते हैं। लास्ट मैच ये खेली थी, फर्स्ट मैच इनका ही था, तो ये हार के आ रही है, अच्छी टीम है बट ये ना लास्ट मैच हार ही थी।
लास्ट मैच जो हमने किए थे निनोरो मरागे ने और जिदेन नकवी ने, मरागे की बात करें तो 22-0 विकेट। टी टेन के देख सकते हो यहाँ पर 62 मैच खेले हैं, 1376 रन हैं, 60 विकेट हैं, और यहाँ से 2023 में 25 मैच खेले थे, 642 रन हैं, 24 विकेट इनके नाम है, तो अच्छा रिकॉर्ड है देख सकते हो। बट यहाँ पर ये विकेट ले रहे थे, अगर विकेट निकालते तो प्लस पॉइंट दे देता, बट यहाँ पर मैं इसे अपना VC चूज़ कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छा पिक है आपके लिए। जेन नकवी की बात कर लेते हैं, लास्ट मैच में बॉलिंग मिली नहीं, बैटिंग की थी, 22 रन बनाए थे, टी10 के 63 मैच खेले हैं, 1161 रन है, 18 विकेट हैं, 2023 में 24 मैच खेले थे, 370 रन हैं, 8 विकेट हैं, अच्छा पिक है। मौका चाहो तो आप दे सकते हो, क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके ये दे सकता है। राजमणि सिंधु की बात कर लेते हैं, 12-0 विकेट, लास्ट मैच में एक ओवर मिला था जिसमें विकेट ले रहे हैं, टी10 के 75 मैच खेले हैं, 1513 रन हैं, 47 विकेट इनके नाम है, 2023 में 20 मैच खेले थे, 274 रन बनाए थे, 17 विकेट इन्होंने निकाले थे। यहाँ से आ जाते हैं आमिर शरीफ की बात कर लेते हैं, 19-0 विकेट, 19 रन की पार खेले थे, 1 विकेट यहाँ पर एक ओवर डाल के विकेट ले रहे हैं, टी10 के 74 मैच 1534 रन हैं, 68 विकेट इनके नाम है, 2023 में 8 मैच खेले थे, 161 रन बनाए थे, 13 विकेट इन्होंने निकाले थे। जोई ब्रेला की बात करें तो 16 रन बना चुके हैं, टी10 के 23 मैच 512 रन हैं, 3 विकेट हैं, 2023 में ना 12 मैच खेले हैं, 272 रन बनाए थे, 0 विकेट हैं, यानी इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी नहीं है, बट आप बैटिंग पर विश्वास कर सकते हो, आप मौका इसे दे सकते हो। जसप्रीत सिंह की बात कर लेते हैं, 0 रन 0 विकेट, देख सकते हो ना तो बैटिंग से अच्छा कर पाए ना बॉलिंग से अच्छा कर पाए, टी10 के 35 मैच खेला है, 302 रन हैं, 44 विकेट है, 65 ओवर डाल के, 2023 में 8 मैच खेला था, 102 रन थे और 8 विकेट निकाले थे 16 ओवर डाल के। सिमरजीत सिंह की बात कर लेते हैं, 3 रन की पारी खेला था, टी10 के 83 मैच खेला है, 1192 रन है, 2 विकेट है, 2023 में 24 मैच खेला था, 375 रन है, 28 का एवरेज, 1 विकेट 3 ओवर के, यानी बॉलिंग ये काफ़ी कम करता है, 83 मैच में ना यहाँ पर सिर्फ 4 ओवर इन्होंने डाले थे, तो यानी बॉलिंग ना के बराबर करता है, बैटिंग तो बैटिंग काफ़ी नीचे करने आता है, अगर ओपनिंग करेगा ना तो बंदा काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए। मडोबा परेंडो की बात कर लेते हैं, 2 रन 0 विकेट, टी10 के 15 मैच में 237 रन है, 15 विकेट है, 29 ओवर के, 2023 में ना 5 मैच खेला था, रन तो सिर्फ 22 बने थे बट 6 विकेट इन्होंने निकाल लिए थे। यहाँ से आ जाते हैं जगमीत सिंह की बात कर लेते हैं, 1 नॉट आउट 0 विकेट, टी10 के 67 मैच खेला है, 308 रन है, 86 विकेट हैं, 2023 में 24 मैच खेला था, 149 रन है, 37 विकेट इनके नाम है। सुजीत रेलवोडे की बात कर लेते हैं, 1 नॉट आउट, देख सकते हो यहाँ पर ना बॉलिंग ये नहीं करता बट नीचे बैटिंग करने आता है, टी10 के 72 मैच खेला है, 229 रन है, 12 का एवरेज है, 2023 में ना 24 मैच खेला था, 3 रन है सिर्फ इनके, यानी ये फ्लॉप रहने वाला, इसे मैं ड्रॉप करूंगा। यहाँ से आ जाता है सुपिंदर सिंह की बात कर लेते हैं, 1 ओवर में ना सिर्फ विकेट ले रहा है, टी10 के 38 मैच खेला है, 29 रन है, 37 विकेट है, 62 ओवर डाल के, 2023 में 18 मैच खेले हैं, 8 रन है और यहाँ पर 19 विकेट हैं, 32 ओवर डाल के, यानी बॉलिंग तो अच्छी है बट बैटिंग इनकी बिल्कुल फ्लॉप है, बैटिंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर अगर चाहो तो आप बॉलिंग से मौका दे सकते हो। यहाँ से बेंच में से जो भी कोई प्लेयर खेलेगा उनकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी, तो यहाँ से स्टार्टिंग को डालने आ जाएंगे, एस सिंह, एस आरिफ और एम परिंडर, डेथ को डालने आ जाएंगे, डी मरेगो और जे सिंह और आर सिंधु, जो डेथ बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छे ये देखे जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते अपनी डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आप किसी वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहां आप कमेंट करते हो ना वहां पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा, तो जैसे आप हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएगा, वहां ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो हम चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में यहाँ पर उन्हें विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला हूँ एस हुक को, बैटिंग सेक्शन से एस गुच को, ए मसूद को, ए सारिफ को, और ऑलराउंडर सेक्शन से आर सिंह को, जेड नकवी को, डी वगैर को, बॉलिंग सेक्शन से एम परेंडे को, ए पाउल को, जे सिंह को, डी रॉबसन को, कैप्टन करने वाला हूँ डी वगैर को, वाइस कैप्टन करने वाला हूँ ए मसूद को, बट ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम में बार बार बोल रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी, अगर आपको अच्छी अर्निंग कर लेना तो आपको जरूर से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ना सिर्फ ही हमारे ज़्यादातर ग्रांड लीग ही भी खिला करो, क्योंकि ना स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर ना लास्ट मैच था ITA की टीम का, तो उसमें ना
सात खिलाड़ियों ने ना ओवर डाले थे, सिर्फ यहाँ पर देख सकते हो 10 तो वो ओवर मिलते ही हैं, 10 ओवर में से 7 तो ओवर देख सकते हो 7 खिलाड़ियों ने बॉलिंग की थी। तो यहाँ पर काफ़ी चांसेज बन जाते हैं विकेट ना मिले, तो अगर आपको खेलना है तो ज़्यादातर आप ग्रैंड लीव इन खेला करो, क्योंकि ना स्मॉल लीग में आपको ज़्यादा रिस्क हो जाता है, तो ग्रैंड लीव इन किया करो। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दिया करो फ्रेंड। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।